आपको लाभ मिला कुछ सरकारी योजनाओं का, जैसे आयुष्मान कार्ड? हमारे को योजना से कोई लाभ मिलता ही नहीं है, आज तक नहीं मिला हमको। नगर निगम में नौकरी करता था, तरन ताल में स्विमिंग पूल। जी जी जी। 26 साल नौकरी करी, रिटायर हो गया, पेंशन अभी तक नहीं दी। गंदा पानी पीते, इधर उधर से लाते पानी। हम 5 महीना के था, मुसीबत उठे गया, पानी पानी वास्ते हमारा बच्चा तरस गया। हमारी पेंशन नहीं थी भैया, 26 साल नौकरी करी और पेंशन नहीं दी। हाँ देंगे, हाँ देंगे, हाँ देंगे, हाँ देंगे, और वोट लेने के वक्त आ जाते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं विकास कर दिया पूरे देश में, काय का विकास कर दिया? यहाँ आके मोदी जी बात करें तो हम उनको जवाब दें। महाकाल प्रबंधक समिति ने जो महाकाल लोक का पार्किंग बना है, वो जगह हम लोगों की है, माले समाज के हैं। हम पहले कृषि करते थे। कहाँ पे? ये जो पार्किंग जो बनी है, हम रोड के ऊपर फूल प्रसादी की दुकानें लगाते हैं और वो बेचते हैं। Brought to you by Sensodent K. अभी लेके आए Sensodent K. टूट का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। टैलेंट ऑफ की चुनाव यात्रा इस वक्त पहुंच गई है उज्जैन के महाकाल के दरबार के पास। हमारे पीछे थोड़ी बहुत रोशनी आपको नजर आ रही होगी, और ये 100 मीटर की दूरी भी यहाँ से नहीं है, मुश्किल से 50 से 60 मीटर की दूरी है महाकाल कॉरिडोर की। महाकाल कॉरिडोर की जो पीछे की दीवार है उसके पीछे ये कॉलोनी है। इस कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोकसभा का चुनाव है, तो यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे आए। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दशरथ सिंह गहलोत। दशरथ सिंह गहलोत जी, यहीं रह रहे हैं आप? हाँ, यहीं के निवासी रह रहे हैं। उज्जैन में कब से रह रहे हैं? बचपन से, नहीं जन्म यहीं का है। जन्म यहीं का है, तो आपके बिल्कुल ठीक सामने महाकाल कॉरिडोर बन गया, इतना बड़ा मंदिर है। तो कुछ फ़ायदा हुआ आप लोगों को? अच्छा, फ़ायदा हमें भी है और यहाँ की जनता को भी काफ़ी फायदा है इससे। काफ़ी लोग इससे बेरोजगार लग गए हैं यहाँ पर। अच्छा, किसी ने जो भी जिसके पास जैसा पैसा है ऐसा, उसने उस हिसाब का व्यापार अपना चालू कर दिया। अच्छे, सबको महाकाल बाबा की कृपा से बहुत अच्छा मिल रहा है सबको बेनिफिट। पहले कुछ नहीं था क्या कॉरिडोर बनने से पहले? पहले कुछ नहीं था, पहले तो एक ये मोहल्ला था, गांव के हिसाब में था, मोहल्ला था। ये तो मोहल्ले के हिसाब और गांव के हिसाब में है क्या? कि गांव के हिसाब में था ये, तो महाकाल राजा की कृपा हुई तो यहाँ के लोग दाल रोटी से लग गए हैं क्या? कॉरिडोर बनने से पहले रोजगार के ऐसे साधन नहीं थे? कुछ भी नहीं था यहाँ। वो कॉरिडोर बना है, महाकाल बाबा की कृपा है, लोग आवागमन बना, इनसे जो है कि लोगों का रोजगार बढ़ गया थोड़ा। कैसी योजनाएं हैं, विधायक ने काम करवाया? नहीं, विधायक ने जी ने तो अभी काम तो चल रही है देखो अंदर, बाकी बाहर का भी डेवलपमेंट वगैरह सीधा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ये ओवर कटिंग होएगा, ये रोड 80 फीट का गोला बनेगा डब 4 लेन में। अच्छा, तो हाँ, तो डेवलपमेंट होगा ही सही है। तो ये 4 लेन बनेगा तो आप लोगों के यहाँ से मकान जाएंगे आगे से? जाएंगे 15-20 फीट मकान से, जो भी 20 तो मान के चलो आप। नोटिस मिल गया है क्या? नहीं, अभी तो नोटिस नहीं मिला, पर वो तो फाइनल है, ये सेंक्शन पड़ा। 4 लेन बनना है, 4 लेन बनना है, और इस वैसे इसकी पहले ही निगम द्वारा नपती वगैरह करके ना इसको छोड़ रखा है, तो ये चुनावी माहौल में रुका हुआ है। सांसद हैं आपके, उनका काम कैसा लगा आपको? ठीक है, वो उनकी जगह है, सांसद जी अपने हिसाब से, उनको अब उनसे कोई काम अपना पड़ता नहीं है, तो अपन खैर कर रहा है। वो कुछ किया आपके घर परिवार में कौन कौन है? हम तो 5 भाई है यार। भाई है, बच्चे? बच्चे भी हैं, सब कुछ है। आपके कितने बच्चे हैं? 2, पूरा परिवार 30-40 का है, फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं बच्चे आपके? सब अपने अपने हिसाब से छुटपुट नौकरी करते हैं, और कोई नहीं है। तो कोई कॉलेज ऐसा कोई खुलवाया हो जो सांसद साहब ने पिछले, या फिर कोई ऐसी कंपनी लेके आए हो यहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं लाया, ना तो कोई कंपनी है, ना कोई फैक्ट्री है यहाँ पे, और ना स्कूल है। फैक्ट्री ये कॉरिडोर बना है जब से, देखना उधर आप, ये कॉरिडोर बना है जब से ही ये ये मान लो फैक्ट्री है एक हिसाब से महाकाल बाबा की, उनकी फैक्ट्री में ही कमा रहा लोग, नहीं तो और कोई फैक्ट्री नहीं है। आप क्या कह रहे थे? हाँ, यही कह रही है कि बस यही है कमाई का साधन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ उज्जैन में, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ तो क्या है, कोई मिल थे, वो मिल भी बंद हो गई है, 4-5 मिल ऑन थे यहाँ पे। किस तरीके की मिल? वो कपड़ा मिल बनते थे, विनोद मिल थे, टेक्सटाइल मिल था, वो सारा बंद हो गया, सब बंद हो गया।
पांच मील थे, उनमें कम से कम तीन तीन चार चार हजार मन्नत की एक एक शिफ्ट थी उसमें। हाँ, चार पड़ा। थोड़ा पास आइए, दोनों आगे पीछे है ना, तो आवाज आ नहीं पा रही। साथ में बैठिए तब आवाज आएगी। हाँ जरा, जा हाँ जरा करे। क्या कह रहे थे आप? नहीं, ये कह रहा हूँ यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है भाई साहब, पहले फैक्ट्रियाँ थी जो बंद हो गई सब। सिंथेटिक्स फैक्ट्री थी, सोयाबीन प्लांट था, चार मील थे, ये सब बंद हो गए अब। और दूसरा कमाने का सोर्स कुछ नहीं है जनता को, केवल ये तो भगवान बाबा की कृपा हुई है कि अब सबको राशन मिलता है। आपको राशन था सर? कितना मिलता है? ये चार किलो, चार पाँच। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं जैसे कभी जाना हो तो? यहाँ सास की भी है, प्राइवेट भी है भाई, दो सास के हॉस्पिटल भी बड़ा हुआ। और सरकारी अस्पताल में मिलती है सुविधाएं? सुविधा ठीक है, है वहाँ भी है और प्राइवेट भी है, फिर जिसको जैसा उचित दिखे वो वैसा का इलाज करवाता है। अरे शिप्रा नदी भी आप लोगों के पास से ही जाती है, इसका भी मुद्दा बहुत चल रहा है इस बार चुनाव में कि गंदी हो गई है, क्या है स्थिति? आप लोग यहाँ के हैं लोकल? शिप्रा नदी तो क्या बोले, खान नदी से जुड़ी हुई है। खान नदी से, खान नदी का जो पानी आता है ना, खान नदी का जो पानी आता है नी, वो शिप्रा नदी के अंदर आता है। वो नर्मदा निकालने के पैसे सब बराबर कर दिए, लाइन डाली है पर अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। नर्मदा लाइन आ गई है उज्जैन तक, पर उसका उपयोग बहुत कम होता है। और शिप्रा नदी में वो खान नदी मिलती है तो वो सब फैक्ट्रिया का गंदा पानी, वो इसमें मिक्सचर होता है, इसलिए ये पानी उपयोग में नहीं आता है पीने के। सीएम साहब नहाए आज जाके शिप्रा नदी में, कह रहे साफ है बिल्कुल, कहाँ गंदी है? अब वो तो बोलते हैं, बोलेंगे साहब आप ये सब चुनावी माहौल है तो सब अपना अपना हिसाब से। वैसे इसका हंसी कुछ और कह रही है, लेकिन शुद्धिकरण के बहुत पैसे हुए, कितने बार पैसे शासन के द्वारा, वो भी सब कोई शुद्धिकरण ही नहीं हो रहा उसका। ठीक और क्या मुद्दे हैं उज्जैन के? कचरा निकाल दो, ये साफ हो गई भाई, ऊपर कचरा गिरे जो उड़ के आता है वो निकाल जाता है। उनने भी कई बार शुद्धिकरण करवाया, बस थोड़ा कीचड़ गारा फेंक देने, ये शुद्धिकरण हो गया। शिमली से कमल किशोर नागर आए थे, दो तीन बार आए, बहुत से लोग भी लाए वो साथ में, पर वो बस ये है कि ठीक है शुद्धिकरण हो जाता है और वापस वो गंदा पानी। गंदा पानी निकालने के लिए बहुत से पाइप डाले उनने, अब फिर भी वो मिक्सचर हो ही रहा है, उसका कुछ सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप क्या करते हैं? क्या अपन तो खुली मजदूरी करते हैं। किस चीज़ का काम, मतलब खुली मजदूरी में? जो भी आ जाए हाथ में, जो कर लो और अपना पालन पोषण करो, बस ये। क्या उम्र है आपकी? 60 साल। 60 साल हो गई है। आयुष्मान भारत कार्ड बना है? हाँ है हमारे पास, बना हुआ है। बिल्कुल फायदा मिला उसका कुछ? नहीं, अपन ने तो अभी तो कुछ भी नहीं काम करा, अपने पास बीमार हुए तो उसका उपयोग आया, अपन तो सुरक्षित है। देखो उसका उपयोग आज तक भी नहीं लिया अपन ने तो, 1 रुपया का भी। हाँ अपन कार्ड है अपने पास। हाँ और सब लोग यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं जो आसपास के जो घर परिवार हैं? वाले ज़्यादा है, खुली मजदूरी और सब्जी का व्यापार और काश्तकारी। काश्तकारी ये मेन है यहाँ की, सबके पास थोड़ी ज़मीन है और सभी लोग अधिकतर काश्तकारी, 75% लोग ये काश्तकारी करते हैं। और ये सारे मकान ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे ही हैं। क्या लग रहा है इस बार, किसका जोर लग रहा है उज्जैन में? उज्जैन में तो खैर बीजेपी भी थी। मोदी जी आएगा अभी तो, मोदी जी फिर से मोदी जी आएंगे? हाँ मोदी जी आएंगे अभी तो। मोदी जी का काम अच्छा लगता है आप लोगों को, क्या लगता है? 400 पार नहीं होगी तो वही 3270, 400 पार नहीं होगी कहीं से कहीं तक। आप पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? हाँ पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, 400 पार नहीं होए, 270 ही होएगी। अच्छा पिछली बार से भी कम बता रहे हैं आप तो? हाँ तो और क्या, वही है 270 ही। कमी रही है क्या पिछली सरकार में? अरे बस योजना बड़ी बड़ी कर देते हैं, कोई काम तो है ही नहीं, वादे पूरे हैं कम्प्लीट। अच्छा योजनाएं हैं बस, आपको ऐसा कह रहे हैं वो जमीन पे नहीं आई उस तरीके से। धरातल पे नहीं उतरी अभी जब। क्या कमी रह गई थोड़ा आप अगर बताना चाहेंगे यार, ये कमी, ये चीज़ तो करनी चाहिए थी कम से कम।
नहीं नहीं वो कमी अभी कुछ नहीं, अब उसका अपन उपयोग ही लेना नहीं चाहें तो फिर कमी क्या कैसे बताएंगे अपन। अच्छा भाई अगर जो भी योजना है उसका अपन उपयोग लेने ही नहीं जा रहे हैं फिर आप उनकी कमी बता के फालतू का क्या पड़े। वैसे बहुत योजना निकाली उनने और काफ़ी कुछ अच्छा कर रहा भारत देश के लिए, और राशन तो हालांकि केंद्र में तो वही मोदी जी के प्रधानमंत्री भी इस बार फिर बनेंगे, वो एक बार फिर से बनेंगे बिल्कुल निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल। उज्जैन की सीट जीत जाएंगे। मोहन यादव कैसे लगते हैं आपको, काम वाम करते हैं कुछ? मुख्यमंत्री है अभी MP के, मुख्यमंत्री मोहनलाल जी, मोहन यादव जी पहले यहाँ के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अच्छा है उनका भी काम करते हैं। CM बने उसके बाद कुछ मिला इधर आपके इलाके को? अभी तो कुछ नहीं ऐसा, अभी CM बने को ज़्यादा समय कितना हुआ, समय कम है ना अभी, कोई का ऐसी कोई योजना नहीं है निकाली है अभी, अब उनकी रूपरेखा क्या है उज्जैन के लिए ये तो अभी वो जाने, अब वो रूपरेखा बना के धरातल पर उतारते हैं क्या कौन सी योजना बनाते हैं, जब अपने को आइडिया होगा कि भाई। चलिए वो तो अभी बने। अनिल फिरोजे का काम कैसा लगा आपको, पिछले 5 साल रहे आपके सांसद? ठीक है आपने और कौन सांसद भी जीता है और सांसद तो वही है, ठीक है उनसे अपना काम नहीं पड़ा जाता, काम नहीं पड़ा। ये यहाँ के इलाके के लोगों से बात की और भी आगे मैं कोशिश करूँगा आगे भी लोगों से बातचीत करें जाने देखें। ये बिल्कुल महाकाल जो कॉरिडोर है उसके पीछे का ही ये इलाका है और ठीक उसकी दीवार के पीछे लगे ये मकान हैं, घर हैं, अगर गोविंद दिखा पाएँ तो। यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी हैं उनसे बात करेंगे देखेंगे, यहाँ पे कई बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। जय महाकाल अम्मा। हम लोग दिल्ली से आए हैं, आप यहीं रहती हैं? यहीं रहते हैं, महाकाल के बिल्कुल नज़दीक आपका घर है? पीछे ही है महाकाल की गुरु है। अच्छा अच्छा, मैं डेली जाती हूँ। जी जी, आप रोज जाते हैं अंदर सेवा करने जाती हैं? नहीं सेवा नहीं, दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, तो ये घर आपका यहीं पे? ये भाभी का घर है हमारा, पास में आपका घर है ये वाला? ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? जिंदगी हो गई हमारे को, तो शुरुआत शादी हो गई यहीं आए थे आप? 200 साल पुराने मकान है। 100 साल से भी? 100 साल से भी पहले, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी 3-4-5 पीढ़ी हो गई यहाँ पे। अच्छा हाँ, बिल्कुल कॉरिडोर आपके बराबर में बना है, इससे कोई फायदा हुआ बनने से? भैया बहुत सारा फायदा हुआ सर, रोजगार मिला है लोगों को। अच्छा, आपके बबच्चे वगैरह कितने हैं? मेरी 3 बेटी 2 बेटे हैं। अच्छा, 3 बेटी हैं, 2 शादी हो गई बेटी? तीन ही बेटी की शादी हो गई, बेटे की हो गई, बेटा कुंवारा है छोटा वाला। अच्छा, बेटे क्या करते हैं? बेटे हमारा धंधा कर चलता है, भैंसों का। किस चीज़ का? भैंसों का, भैंस गाय का धंधा चलता है हमारा। भैंस गाय का मतलब क्या, दूध उनका बेचते? व्यापार चलता है, गाय भैंस का व्यापार चलता है। अच्छा, गाय भैंस का व्यापार करते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप रह रहे थे समय से, आपको लाभ मिला कुछ सरकारी योजनाओं का, जैसे आयुष्मान कार्ड? नहीं लिया सर, हमने किसी से लाभ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हमारे को जरूरत ही नहीं है, नहीं लिया हमने। लाभ भी लो, उसको भरने का भी तो चाहिए, लोन उठाओ अपन। कुछ आती नहीं है हमारे ताए, हमारे को योजना से कोई लाभ मिलता ही नहीं है, आज तक नहीं मिला हमको कोई चीज़। नहीं, जैसे इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं, जैसे सरकार कहती है कि हमने आयुष्मान कार्ड बना दिया, अस्पतालों में आपका इलाज आराम से हो जाएगा। अभी तक आयुष्मान कार्ड तो बनाया है हमने, लेकिन उसका उपयोग नहीं लिया अभी, अभी कोई काम ही नहीं पड़ा हमारा, तो उपयोग में नहीं आया। आयुष्मान कार्ड का यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी? बेटे का एक्सीडेंट होया था तो उसमें काम में आया था, मुफ्त होया, थोड़े लगे भी सही 1.5-2 लाख रुपए, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होया था सर उनका। अच्छा अच्छा, वहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड लगा उसमें, लगा वहाँ, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं माता जी? ये भी यहीं रहते हैं, ये आगे रहते, थोड़े आगे रहते। आपके कितने बच्चे हैं? यहाँ की बहन बेटी है, वो बहन है यहाँ की, यहाँ पे रहती हैं। राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? हाँ राशन तो मिलता है। कितना मिलता है? एक जने को 5 किलो मिलता है परिवार में, एक जने को 5 किलो। हाँ। तो जितने मेंबर हैं उस हिसाब से मिलता है? इस हिसाब से मिलता है, 2 किलो गेहूं मिलते हैं, 3 किलो चावल। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से मोदी जी आएंगे वापस? आना ही चाहिए सर, आने चाहिए, और क्या, मोदी जी को ही बुलाना और क्या। कैसा लगा काम उनका? अच्छा लगा, अच्छा लगा।
और मोहन यादव जी आपके इलाके के मुख्यमंत्री बन गए अब, है तो वो उनका काम कैसा लगा आपको? उनका भी अच्छा लगा है, अभी कुछ करा ही नहीं उनने, लेकिन इसे अच्छा लगेगा, अभी कुछ करा ही नहीं उनने अभी, अच्छा हाँ कुछ करा ही नहीं मोहन यादव ने, तो कैसा बताएंगे अभी, उनका आए ही नहीं अभी। अच्छा अभी कुछ किया नहीं उन्होंने? हमारे तो पेंसिल विधवा पेंसिल है, वो भी 600 रुपये। मोदी जी की क्या चीज अच्छी लगती है आप लोगों को? आप सब लोग एक साथ बोला, सभी अच्छी लग रही है उनके तो। दो चीज अम्मा मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, दो चीज आप जो बताना चाहो, क्या चीज अच्छी लगती है आपको? क्या सभी अच्छा करा ना गरीब के लिए, मोदी जी ने कर ही रहा है वो तो। हाँ आप बताना चाहें मुझे कोई दो चीज जो आपको पीएम मोदी की अच्छी लगती हो। एक तो लाडली योजना निकाली है उनने, अच्छा लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह के समय पे आई थी। हाँ। और दूसरी सब ने कार्य अच्छे कर रहे हैं, वो देश में जो भी विकास हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और हमारे कॉरिडोर बना हैगा इसमें भी सहमत है हम कि रोटी रोजगार मिल गया है यहाँ पे हमारे को। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक लड़का दो लड़कियाँ। वो क्या करते हैं? मेरा लड़का फोटोग्राफर है और लड़कियाँ की शादी हो गई, दोनों की लड़कियों की शादी हो गई। अच्छा। तो कोई और शादी बेटे की भी हो गई है क्या? बेटे की भी शादी हो गई है, बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं वो, लोकमान्य तिलक में जाता है और एक यहाँ दिल्ली पब्लिक में जाता है। अच्छा प्राइवेट स्कूल है दोनों। सरकारी स्कूल कैसे हैं यहाँ पे आपके आसपास, अच्छे नहीं है क्या? नहीं सरकारी स्कूल तो नहीं है हमारे आसपास। अच्छा पीछे पीछे बना है पर हमारे बच्चे नहीं जाते हैं। क्यों? हमारा तो वो सरकारी योजना जो है मेरी लड़के की लड़की का तो उसमें है। अच्छा उसका लाभ मिल रहा है तो इसलिए उस स्कूल में जा रहा है। उसमें ही हैगा, उसी सरकार की तरफ से ही है उसका फ्री स्कूल लोकमान्य तिलक में। अच्छा ठीक है, और लोग भी हैं यहाँ पे लोकल, उनसे मैं बात करूँगा। मैं अभी बताता हूँ आपको, आप यहीं रहते हैं लोकल हैं? हाँ बिल्कुल लोकल। क्या करते हैं सर आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश परमार। मुकेश परमार जी, तो यहाँ ऑटो का अपना काम रहता है, तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ना तो सर हमारे को बहुत टाइम हो गया, यानी कि बाप दादा के टाइम से रह रहा है। जी जी जी, कम से कम 50 साल से भी ज़्यादा होगा। क्या लग रहा है इस बार जोर किसका है उज्जैन में? बीजेपी का ही है सर। बीजेपी का ही जोर है? हाँ अच्छा, बीजेपी आएगी वो तो। हाँ। यह गढ़ बीजेपी का ही है हमारा जयसिंहपुरा, यानी। अच्छा अच्छा। हाँ अनिल फिरोजिया जी का ने क्या काम किया पिछले 5 साल में? सर ये तो हमारे वार्ड में भी एक आते अभी उस रोज आए थे, बाकी काम तो हो रहा है, बाकी जो ना के पार्षद है जो उनसे हमारे को ये उम्मीद है कि नालियों ने जो रहती है वो सही नहीं साफ हो रही है। आप देख सकते हो पूरी नाली, उन नल में पानी खराब आ रहा है बिल्कुल, बस ये समस्या होगा हमको परेशान होते होते पानी की समस्या। अच्छा। 4 महीने होगा हमको परेशान, गंदा पानी और ना कोई साफ सफाई ना कुछ भी नहीं होता हमारे इधर के, तो कहीं भी नहीं होता है। पार्षद सुनते नहीं है? पार्षद नहीं सुनते हमारा तो। कौन सी पार्टी के पार्षद है? जनता, जनता पार्टी के, बीजेपी के। हाँ बीजेपी के, तो वो काम नहीं करवाते। हाँ। उस चीज से नाराजगी है? नहीं नाराजगी का ने कोई सवाल ही नहीं उठता है, कुछ मिल ही नहीं रही हमारे को। कभी नहीं आते? नहीं कभी कोई नहीं आता इधर। अच्छा आप क्या बता रहे थे? ये नाली बिल्कुल देखो आप कितना भरा हुआ है, जो कि आपकी महाकाल लोक मन गया है ना, इतनी साफ साफ सफाई होना। ये देखिए कितना गंदी वाला, देखो आप महाकाल लोक की, देखो आप पानी नाली साफ ही नहीं होती बराबर, आप बिल्कुल आप ये देखिए इंटरव्यू इसका। और ये हेडपम्प की शिकायत भी हम कहें कितनी बार कर गए, अभी कर गए, फिर वो राड़ उतर पानी लाल आ रही है इसमें, इसकी समस्या ही नहीं खत्म हो रही है। पानी वगैरह कैसे आते हैं? पाइपलाइन है? नहीं पाइपलाइन तो है, बाकी वो नल के अंदर इतना कीचड़ वाला पानी आ रहा है जिसका जवाब ही नहीं, फिर आधा एक घंटे बाद साफ पानी आता हो। अच्छा पहले नल से कीचड़ वाला पानी आता है। हाँ, गंदा फिर आता है, फिर साफ आता है। कह रहे कि जो शिप्रा नदी का जल है वो तो हम घर घर तक पहुँचा दिया। नहीं वो तो जैसे आता है नल के अंदर जैसा, बाकी जो पीने लायक रहना चाहिए पानी वो नहीं हो आ पा रही है अभी। और ये जो हेडपम्प है इसका अभी टूट गया था, ये गाड़ी वाले तोड़ गया था, तो उसके बाद भी लाल पानी आ रहा है इसमें। हमने क्या कि इसमें राड़ उतार दो तो वो उतार नहीं आ रहा है, शिकायत 2-3 बार कर आया हम, तो अभी तक इस चीज़ का समाधान नहीं हो रहा है। पार्षद बीजेपी से? हाँ बीजेपी से, जनता पार्टी से, जनता पार्टी।
और क्या समस्याएं हैं इलाके की? यही समस्या है सर, बाकी तो बढ़िया है बीजेपी का काम। फोर लेन बनने वाला है ये? हाँ बनेगा ना सर। तो फिर ये आगे के जो मकान है सब टूटेंगे क्या? सर हाँ, वो तो चौड़ीकरण तो है सर, यहाँ पर निशान भी लगे हुए पहले से। जी जी, अब वो कब चौड़ीकरण हो वो सरकार के हाथ में हो। यहाँ पे किस समाज के लोग रहते हैं ज़्यादातर? भाट समाज के, चौधरी समाज के, माली समाज के, कुमार समाज के, तीनों समाज के रहते हैं। सब मिला जुला यहाँ पे रहता है। अभी यहाँ की ये समस्या, कॉरिडोर के बिल्कुल बगल में आप लोगों के घर हैं। हाँ सर, ये कॉरिडोर बिल्कुल ये लगा हुआ है पास में 10-5 हमारे। ठीक है, देखिए ये तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की, आगे मैं कोशिश करूंगा, गोविंद कहूंगा, और लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं अगर आगे भी कुछ लोग और मिलते हैं तो। क्योंकि ये बिल्कुल वो इलाका है जो हम एक चमकती हुई तस्वीर देखते हैं, उसके आसपास गोविंद से कहूंगा ये घर भी दिखाते हुए चले हैं यहाँ पे, कि उसके ठीक पास के जो घर हैं, मकान हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। इस रोड पे आवागमन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ठीक बगल में महाकाल कॉरिडोर के पीछे जो गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं तो सब लोग यहीं से हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नागेश्वर खिची। नागेश्वर जी यहीं रहते हैं? है? यहीं लोकल रहते हैं, यहीं पे यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, शुरू से यहीं रह रहे हैं? शुरू से हो गए 50-60 साल यार, मैं 79 का हो गया। नगर निगम में नौकरी करता था, तरन ताल में स्विमिंग पूल। जी जी जी, 26 साल नौकरी करी, रिटायर हो गया, पेंशन अभी तक नहीं दी, 10 साल हुए थे नहीं पूरे, इसलिए टेम्परेरी रहा। पेंशन क्यों नहीं दी? 10 साल पूरे नहीं हुए थे, बीच में से 2019 में परमानेंट किया, 2019 में रिटायर किया, 2010 में रिटायर किया, अपॉइंटमेंट दिया, 2019 में रिटायर कर दिया, 9 साल और 3 महीने हुए थे। जो इनने 9.5 साल इनकी हो रही जॉब, अगर 10 साल हो जाते तो इनको पेंशन के हकदार हो जाते। अच्छा, 6 महीने इनकी सर्विस कम रही तो इसलिए पेंशन नहीं मिली। अब नहीं मिलती, कोई पेंशन नहीं मिलती। अभी अब देखेंगे, अगर ये इसमें अभी चुनाव के बाद में कभी कर दे वो मोदी, हाँ ओल्ड पेंशन का इतना उपद्रव हुआ तो उसमें कभी कर दे तो उसका इंतजार करें, तो फिर सामाजिक पेंशन तो लेंगे ही लेंगे, फिर क्या करें, अभी उसका इंतजार कर रहे हैं, फिर सामाजिक पेंशन लेना ही है। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? हाँ अच्छी बात है साहब, मोदी का तो बहुत ही बढ़िया काम। कैसा लग रहा है आपको ये सब? यहाँ पे जो कॉरिडोर बन गया उसके बगल में आप लोगों के घर है, हाँ ये हमारा कुछ हुआ विकास? हाँ विकास तो हुआ, विकास तो काफ़ी हुआ। अभी नहीं, आप लोगों को क्या फ़ायदा मिला कॉरिडोर बनने से? कॉरिडोर जो ये बना उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ? फायदा ये लोगों को धंधा रोजगार, ये बात करो इससे वो कम सुनते हैं, व्यापार बढ़ा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। जो लोग कई युवा बेरोजगार घूमते थे जिनके पास काम नहीं था, कईयों ने रिक्शा ले ली, ई रिक्शा ले ली, हार फूल की दुकान डाल ली, कई ने अपने लाजे बना ली, होटलें बना ली, मतलब इस कॉरिडोर से ये मान लो कि मतलब 75 या 80% बिजनेस यहाँ पे हो चुका है और ये सब मोदी जी की देन से ही हुआ। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। हाँ। अच्छा, बेटे हैं आप इनके? हाँ मेरे पापा आई हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? आप कितने भाई बहन हैं? मतलब हम 2 भाई हैं और 3 बहन हैं। क्या करते हैं आप सब लोग? छोटा वाला भाई डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर है, वहाँ का जॉब करता हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ और बहनों की शादी हो चुकी है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं सभी 4-व्हीलर सभी गाड़ी चला, सभी गाड़ी चलाता हूँ। बाकी यहाँ क्या क्या लाभ मिल रहे हैं आपको सरकार की योजनाओं के? सरकार की ओर से हमें पूरा लाभ मिल रहा है, जो मिलना। आप कह रहे कुछ नहीं? नल की परेशानी कर रही है, नल बहुत परेशान करते, पानी की समस्या, गंदा पानी पीते, इधर तो ऐसे लाते पानी, हम पानी साफ नहीं आता। पार्षद को कहने जाते तो वो कुछ नहीं करते, हम के क्या 10,000 देंगे पानी, हमको कहाँ से लाएं 10,000? अभी बोले 10,000 लो और बोले नया कनेक्शन कराओ, पुरानी लाइन में हमारा कनेक्शन है। कौन सी पार्टी के हैं पार्षद? बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के। हाँ हमें पानी की इतनी, हमें क्या पूरा उज्जैन शहर को इतनी समस्या है कि पता नहीं कौन सी पाइपलाइन फूट गई तो गंदा पानी, इतना गंदा आ रहा है कि हम उससे हाथ भी नहीं धो सकते, हमारे हाथ में बदबू आने लग जाए। 5 महीना हो गया,
पांच महीना के था, मुसीबत उठ रहा, पानी पानी वास्ते हमारा बच्चा तरस रहा, दूर से पानी ला के आना पड़ रहा, काम धंधे नहीं जाए बेचारा, न गाड़ी से पानी भरे, इतनी परेशानी है। इसकी हम शिकायत कई बार कर चुके हैं लेकिन कोई समस्या कोई सुनता नहीं है हमारे, कोई हल नहीं निकला, कहीं हल नहीं है। कॉरिडोर बन गया कह रहे, विकास इतना आ गया है यहाँ पे, अब तो पूरा विकसित है, पानी की समस्या तब भी है? हाँ, पानी की बहुत बड़ी समस्या, पाँच महीना हो गया, नहीं कि बोले लेन खराब हो गई है, 10,000 भरो लेन लो बस, और पुराना बिल भरो, इस मोहल्ले में कोई ने बिल ही नहीं भरा, कहाँ से भरे गरीब लोग बिल, दो पैसे की दाल के रफ्तार पकड़ी बिजनेस में तो वो भी करेंगे, लेकिन 10-12 हज़ार रुपये मांग रहे नए कनेक्शन के, तो आप ये कहाँ से लाएंगे? तो देख रहे आप कच्चे मकान, आप पुराने गांव टाइप ही देख रहे हैं सबका, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पैसे मिलते हैं वो नहीं मिले किसी को? नहीं मिले, जिनके कच्चे मकान थे ना उनको बिल्कुल मिले, बिल्कुल, जैसे मैं आगे भी देख रहा था कई कच्चे मकान हैं। हाँ कच्चे मकान हैं, इनको भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, चुनाव के बाद किसी को मिला है? नहीं इधर नहीं मिले, उधर पटली आड़ी मिले, इधर नहीं मिले, मतलब सामने एक दो लोगों को मिले वहाँ पर, वो जो डीपी लगी ना डीपी के पीछे, उन लोगों को मिले, और कई लोगों के फॉर्म भरा है अभी, लेकिन अभी कुछ हल नहीं हुआ उसका, अभी हल नहीं हुआ। आपके जो पिछले सांसद थे उन्होंने काम वाम करवाया कुछ? क्या लेके आए योजना, कोई लेके आए यहाँ पे आपके? नहीं सांसद तो कोई योजना, फिरोजिया जी अनिल फिरोजिया, हाँ अनिल फिरोजिया जी, अब उनको भी पता है कि शहर में कितने ऐसे हैं, वो उनका टिकट दोबारा दे दिया मोदी जी ने, सही किया गलत किया? हम तो मोदी जी को देख रहे हैं। अच्छा, हम तो मोदी जी को देख रहे हैं, बस बात खत्म। क्या काम अच्छा लगता है मोदी जी का? मोदी जी के सारे काम हमें अच्छे लगते हैं, सारे काम, जितनी भी योजना निकाली उनने, उनका हमने अच्छे से फायदा उठाया, पर उनने हमारी पेंशन नहीं दी भैया, 26 साल नौकरी करी और पेंशन नहीं दी, हाँ देंगे हाँ देंगे हाँ देंगे, अनदेंगे, और वोट लेने के वक्त आ जाते हैं, और अब के 2024 में देंगे, अब वो कह दिया पहले वोट डल गए, अब वोट डल गए, अब फिर वोट आ गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबसे केस जीत गए, पर वो भी कागज दबा कर बैठ गए। वो 3-4 राज्यों में सेंशन हुई है, जैसे राजस्थान हुई है, ऐसे 3-4 राज्यों में सेंशन हुई, बाकी अभी यहाँ एमपी में सेंशन नहीं करी। क्या कह रहे हैं आप चाचा? जहाँ तक बच्चे सब ही बेरोजगार है, यानी कोई किसी का धंधा बिजनेस नहीं है, यहाँ पे जो मिल वगैरह थी वो उसमें कुछ भी यहाँ कहाँ के मिल थे पहले थी ना? नहीं कोई मिल नहीं थे, ये तो सभी यहाँ रेनवासी ऐसी है सबकी। आप बच्चों को रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल ही नहीं है। परेशानियाँ क्या? यही हैं कि चुनाव जीत के आ गई जाए, वो जो चुनाव जिसका जीत गया वो वापस इधर आके नहीं फेरे, वो नाली देखे तो इतनी इतनी भरी, रात न दिन बदबू आए उनमें से, मच्छर काटे मलेरिया फैले, बच्चे बीमार होए, और ये तो पार्षद का काम हो गया। अब पार्षद हो या गवर्नमेंट का काम हो उसमें क्या है, उसने कुछ उन्नति मिले तो विकास हो तो अपने को भी कुछ अच्छा लगे, जब विकास ही नहीं उन्नति नहीं है तो काय के लिए है यहाँ? मोदी जी तो कह रहे हैं विकास कर दिया पूरे देश में, काय का विकास कर दिया, यहाँ आके मोदी जी बात करें तो हम उनको जवाब दें, जहाँ हो गया माँ, जहाँ पैसा चल रहा माँ सब कुछ है, जहाँ नहीं है माँ कुछ भी नहीं है। बस मेरे भाई ये छोटे मेरे भाई ये छोटे इनका इधर हम दोनों नगर निगम में थे, अभी तो ये चल रहा, इनका भी रिटायरमेंट है जुलाई में, हाँ, और ये मेरे भाई है, हम दोनों भाई है, सिर्फ दोनों भाई का अलग अलग है इनके, और ये हमारा छोटा है, मैं बड़ा। समस्या गुज रहे हैं भैया, जो समस्या विकास अच्छा लगे तो सबको बढ़िया लगे, विकास ही नहीं है तो क्या बच्चे उन्नति करें हैं, वो सब्जी के ठेले उन्हों चलाते हैं बच्चे, उन्हों धंधे नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगार की तरह है, और फिर कह रहे कि अतिक्रमण में पूरे मकान में हम तो पूरे ही दे देते तेरे को, बस हमको कुछ उन्नति तो होना चाहिए। जो आपका मकान हटाने की बात चल रही है 4 लेन बनने की, उसमें कह रहे हैं आप? हाँ तो 4 लेन हम तो देने को तैयार है ना, जितना आपको लगे उतना ले लो, है ये 10 फीट का होटला 5 फीट अंदर ले लो, 15 फीट ले लो, और क्या लोगे इससे ज़्यादा, हम 100-100 साल की यहाँ बस्ती है हमारी, यानी कि पूरा गांव की तरह जयसिंहपुरा है ये, है तो कुछ तो होना चाहिए ना,
हैं, और यहाँ से बिल्कुल ही हमको हटा देंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमको खाने के लाले ही पड़ जाएंगे। ये महाकाल कॉरिडोर जो बना है यहाँ पे क्या लेन संबंध है हमको, कोई फायदा मिला उस? क्या फायदा उससे, कोई फायदा नहीं है कॉरिडोर से क्या, वो उनकी समस्या का हल है, जो भी कुछ आएगा तो वो उनके महाकाल बाबा के नाम पे जाएगा, कोई हमको थोड़ी महाकाल बाबा आके यहाँ दे जाएगा। और बोलो, ये सारी समस्याएं हैं आपकी? बहुत सारी समस्या हमारी नहीं, पूरे आमने सामने दोनों टाइप यही बोलेंगे, जैसे हमने जवाब दिए हैं वैसे ही बोलेंगे। बच्चे क्या करते हैं आपके? सब्जी का ठेले चलाते हैं। स्कूल जाते थे? शिक्षा कहाँ? मोटे बच्चे हैं, यही आस पास में ही है स्कूल, मॉन्टेसरी पढ़ते हैं, कभी कोई सरकारी स्कूल में नहीं भर्ती है, भर्ती है तो कागज़ नहीं बनाते, कागज़ बनाते तो भर्ती नहीं करते हैं, हैं सब जगह पैसा पैसा पैसा, गरीब कहाँ से लाएगा खाने को, तो पैसा नहीं मिल रहा उसको, तो वो फालतू किसको देने जाएगा? वोट देंगे आप? अभी देंगे, हम तो तैयार है, पहले भी दिए वोट ने, अभी भी देंगे, जहाँ तक हमारी समस्या का सुझाव अच्छा रहे तो हमारे दिल को अच्छा लगे। कॉरिडोर के ठीक बगल में एक और बुज़ुर्ग मिले हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे थे आप? हम साहब ये कहना चाहते हैं, महाकाल प्रबंधक समिति ने जो महाकाल लोक का पार्किंग बना है, वो जगह हम लोगों की माली समाज के हैं, हम हमको महाकाल समिति ने बिल्कुल कम मात्रा मुआवजा दिया, जिसमें ये हमारे मकान भी नहीं बन पाए, और महाकाल लोक का पार्किंग धड़ाके से चल रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट मीडिया से यही है कि ये बात कुछ आगे बढ़े, और हमारा जो मुआवजा बनता है गाइडलाइन से, किरासी के हिसाब से भी जो बनता है, मिला आपको मुआवजे में? हमको सिर्फ 2,11,00,000 रुपए मिले, हेक्टर के हिसाब से दिया हुआ है, हेक्टर के हिसाब से, और उसमें भी 6 बंटवारे हुए, मतलब 30,00,000-32,00,000 रुपए एक एक व्यक्ति को आए, 6 लोगों का परिवार था हमारा, तो हम आज फुटपाथ पे फूल प्रसाद बेच के हमारी जीविका चला रहे हैं, तो ये बात मीडिया से निवेदन है कि कुछ हमारा करा जाए निराकरण महाकाल समिति द्वारा, और हमने 6 दुकानों का एक आवेदन भी दिया था कि 6 भाइयों को महाकाल जीविका के आधार पर हमको महाकाल समिति ने जो दुकान बनाई है उसमें हम 6 भाइयों को एक एक दुकान दी जाए, वो आवेदन भी हमारा माँ रख लिया उनने, और आश्वासन दे के आज तक उस पर भी सुनवाई नहीं हुई, तो अगर वो दुकान नहीं मिल जाए तो हमारे चूल्हे चौके जो रोटी खाने का साधन है, क्या करते हैं? हम पहले कृषि करते थे, पहले खेती होती, पहले कृषि करते थे, कहाँ पे? ये जो पार्किंग जो बनी है इसमें कृषि करते थे, अब ये अधिग्रहण हो गया, हमारा जीविका का साधन हमसे छीन लिया गया, अब हमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो हम रोड के ऊपर फूल प्रसादी की दुकानें लगाते हैं और वो बेचते हैं। ये मुद्दे चलती है हमारी, दाल रोटी फूल प्रसाद में लगा चलाते हैं हम, क्या हमको कुछ साधारण नहीं कोई है, वो ही नहीं हमारे लिए, नगर निगम भगा देती है, उठो 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 चलो भगो यहाँ से भगो, 100-200 रुपए का काम करते हैं वो भी भगा देते, तो क्या करें फिर हम, चूल्हे चौके नहीं चलता तो क्या रोड पे बैठ के कमा के खाते है, वो भी नहीं खाने देते, क्या करें फिर, थोड़ा बहुत तो हमारे पास कोई साधन नहीं था ना, यही तो हमारे रोजी रोटी थी, रोजी रोटी तो मेन यही थी, बाकी वो कोई दूसरी जमीन भी नहीं हमारे पास में, बस, और हमारे 300-400 जनों का परिवार है, बाल बच्चे हमारे यहाँ से वहाँ तक, हमारी फैमिली सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई फूल मंडी में काम कर रहा है, कोई किसी होटल पे काम कर रहा है, कोई फूल प्रसाद की दुकान लगा रहा है, ऐसा चल रहा है भाई साहब, क्या करो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़के हैं, हमारा 6 परिवार है, 6 परिवार के कोई के 4 लड़के हैं, कोई के 3 लड़के हैं, कोई के 4 लड़की है, औलाद की औलाद हो गए हमारे यहाँ, फैमिली यहाँ से वहाँ तक हमारी बहुत ज़्यादा हो गई, ये आज भी हमारे जिसमपुर में हमारे नाम से फेमस है, तारा माँ का परिवार बोलते हैं इसको, और आज हम वो परिवार ऐसा बिखर गया, एक जमाने हमारी धाक थी, आज हमारे धाक कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, इतना टूरिज्म बढ़ा है, उससे कोई फायदा मिला आप लोगों को? कोई फायदा नहीं है जा साहब, बस ये है कि फूल प्रसाद बेच रहे हैं वो भी इज्जत है वहाँ चौराहे पे, न वो भी किसी दिन कभी खड़ा होते हैं न कभी नहीं खड़ा उन देते हैं वहाँ पे,
कोई वो तो नगर निगम की जमीन है, बोले आप ना, हम कहने जाते हैं कि हमारी जमीन थी, हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, हमको रोजगार दिया जाए, तो हमको कहते हैं कि आप काय की जमीन, तुम्हारे को सरकार ने मुआवजा दे दिया, तुम्हारे को पैसा दिया इसका, बोले तुम हटो यहाँ से, न्यू कहते हैं। ये एक वो तस्वीर है जो उस चमक वाली तस्वीर से बिल्कुल अलग है। महाकाल कॉरिडोर से उज्जैन का काफ़ी विकास हुआ, टूरिज़्म बढ़ा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि लोगों के आजीविका बनी। ये लोग भी अपना गुजारा कर रहे हैं, कोई फूल बेचता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई काम करता है, लेकिन इनकी अपनी अलग परेशानी है कि शायद इनको जो मुआवजा दिया गया वो नाकाफ़ी था, और जिस ज़मीन पर महाकाल कॉरिडोर बना, उसकी पार्किंग बनी इतनी बड़ी और दुनिया भर से यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, वो ज़मीन कभी इनकी थी और उसका मुआवजा इन्हें पूरी तरीके से नहीं मिला, जिसकी वजह से आज इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनकी कुछ मांगे भी हैं, प्रशासन उस पर भी अगर गौर करेगा तो शायद इनको बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। कैमरे के पीछे हैं गोविंद, मेरा नाम है विपिन, देखते रहिए दिल्ली ललन टॉप। शुक्रिया।